नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस को काफी अरसा हो चुका है। इस केस में देश की तीन बड़ी बड़ी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। सीबीआई को हाल ही में लोगों ने फटकार लगाई कि आपकी रिपोर्ट नवंबर में आने वाली थी, लेकिन नवंबर बीत गया और आपकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। लेकिन सीबीआई की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर अब आ रही है। सीबीआई की रिपोर्ट सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी सबके सामने आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस बात की पुष्टि एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने भी की है। आप जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे होंगे वो जानते होंगे कि इस पूरे केस में विवेकानंद गुप्ता जो पेशे से एक एडवोकेट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें और कई बड़े बड़े दावे किए हैं और इन दावों और इन बातों के लिए उन्होंने एविडेंस और गवाह भी पेश किए हैं और सीबीआई पे उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड है। तो उन्हीं का ये मानना है कि इस पूरे केस में जल्दी ही सफाई आने वाली है। सीबीआई जल्दी ही अपनी ये रिपोर्ट पेश कर गुनहगारों को सामने ला देगी। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस केस को 6 महीने हो चुके हैं, जबकि सीबीआई की रिपोर्ट 3 महीने में आ जाती है। अगर कानून की माने तो 90 दिन में सीबीआई को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है, पर क्योंकि ये केस थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा था, थोड़ा ज़्यादा हाई प्रोफाइल था, सीबीआई को इतना टाइम लग गया। अब 14 दिसंबर को सीबीआई को 6 महीने हो जाएंगे इस पूरे हादसे की जांच पड़ताल करते हुए, और माना जा रहा है कि इस डेट के आसपास ही सीबीआई अपना वर्डिक्ट, अपना स्टेटमेंट भी दे देगी, जिसके बाद इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हम सभी के लिए, ये आपके लिए, हमारे लिए, सुशांत की फैमिली के लिए बहुत अच्छी खबर है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एटलीस्ट एंड में इस पूरी गुत्थी को सुलझा के, इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करके इसकी सच्चाई को सामने लाया जा रहा है। आने वाली हर अपडेट से मैं आपको अवगत यूं ही करता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम लाइव से आकाश की रिपोर्ट।